इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर टू के बारे में कि आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेमेस्टर टू में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सेमेस्टर वन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो अगर आपको उसको देखना है आप ऊपर आई बटन में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। एक चीज मैं पहले बता दूं आपको कि जब आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जब कर रहे हो तो सिलेबस जो होता है वो आपका कॉलेज ही आपको देगा। जो मेरा सिलेबस है वो आपको फॉलो नहीं करना है। यहाँ तक कि जो मेरे पीछे के जो स्टूडेंट हैं यानी जो मेरे जूनियर हैं और जो मेरे सीनियर हैं उन सभी का भी सिलेबस अलग है। तो जैसे जैसे कंपनी की डिमांड होती है वैसे वैसे जो सिलेबस है वो चेंज होता जाता है। तो अगर हम सेमेस्टर टू के सिलेबस को स्टार्ट करें तो सबसे पहले नंबर पर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो सेमेस्टर टू में आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें कि होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। पहले भी आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ रखा है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, सेमेस्टर वन में आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार जो होगा वो कुछ ज़्यादा थ्योरम होगा, कुछ और थोड़ा डीपली मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, थोड़ा पहले से थोड़ा और हार्ड होगा। तो दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन स्किल। जब मैंने पढ़ा तो इकोनॉमिक्स उस समय नहीं था, और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मैंने पढ़ा है। अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल में आप पढ़ोगे कि जब आप एक प्रोफेशनल वर्कर होते हो तो आपको अपनी कंपनी में कैसे बातें करनी है, कैसे काम करना है, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, या फिर आप इस मेथड के थ्रू किसी के बिहेवियर को पहचान सकते हो कि वो कैसा है काम करने में, या फिर जो भी कुछ है वो आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ते हो। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें पता नहीं होती हैं और वो चलती रहती हैं हमारे साथ जो है, लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे और जब आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, जब आप बोलोगे तो लोग जो होंगे वहाँ पे वो आपको देखेंगे और वो समझेंगे कि हाँ आप ये एरर कर रहे हो, वो आपको बताएंगे और आपको फिर से इम्प्रूव करना होगा। मैं बात करूँ तो मेरे में सबसे पहला जो मुझे कम्युनिकेशन एरर मिला था वो था आई कॉन्टैक्ट। एक्चुअल में जब हम किसी टीचर से या फिर जो पेरेंट्स से किसी बड़े से जब बात करते हैं तो हमारा जो आई कांटेक्ट होता है हम उसे नीचे रखते हैं। क्यों? ये एक तरह से मतलब साइन ऑफ रिस्पेक्ट है जो कि मुझे पता नहीं थी, लेकिन एक एक्चुअल में होती है। तो तीसरे नंबर पे है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अब आप पूछोगे कि हमें फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो अब एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट तो हवा में उड़ती है। हम फ्लूइड मैकेनिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप एयर में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसे आप जल्दी पहचान नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप फ्लूइड में एक्सपेरिमेंट करते हो तो हम उसे बता सकते हैं कि कैसे फ्लो पैटर्न, कैसे फ्लो हो रहा है। तो इसलिए हम सारी चीज़ें जो हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, और उसके बाद उसी मेथड को फिर हम एयर पे लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें समझने में आसानी हो जाती है और हम काफ़ी डीपली जो है फ्लो को हम समझ पाते हैं। तो चौथे नंबर पे है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं बात करूँ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स आप जो है वो आप 11th 12th में पढ़ चुके हो, लेकिन अब जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे वो होगा इंजीनियरिंग पर्पस पे, यानी वो समझ लो अब आप अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे जिसमें आप कोई भी अगर इंजन चल रहा है तो इंजन में कैसे फ्लो हो रहा है और कैसे वो सारी चीज़ें निकल रही हैं। आप थ्योरी आपने 11th और 12th में पढ़ रखी है, अब उसी चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो और कुछ नया कंसेप्ट सीख रहे हो, कुछ नए प्रोसेस सीख रहे हो और कुछ नए थ्योरीज अब यहाँ पे आप नए नए सीखोगे। तो पांचवें नंबर पे है एलिमेंट्स ऑफ एरोनॉटिक्स। इसमें आप पढ़ोगे कि हिस्ट्री पहले पढ़ोगे, कैसे कैसे इसमें इवोल्यूशन आता गया है, ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ोगे, और उसके बाद पढ़ोगे कि एयरक्राफ्ट के उसके पार्ट्स के नाम, किस चीज़ से क्या काम होता है, वो सारी भी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। तो नंबर छः पे है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, आप बेसिकली इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हो कि अब देखो अगर अल्मोनियम है और आयरन ले लो तो दोनों तो सेम है नहीं, अल्मोनियम भी होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, तभी तो वो कुछ एलिमेंट अलग है, वो जल्दी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन आयरन काफ़ी हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए अल्मोनियम और आयरन में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि आप लोड कैसे लग रहा है, कैसे उस पर मोशन हो रहा है, लोड की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, वो भी सब चीज़ें जो हैं आप इसमें पढ़ोगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं दो लैब की जो कि आपको पढ़ानी जानी चाहिए, कंपलसरी है,
लेकिन अगर आपके कॉलेज के पास ये सब लैब नहीं है तो वो शायद आपको नहीं पढ़ाए, और आगे चल के सेमेस्टर में जब कभी ये लैब आए तो आपको पढ़ा सकता है, लेकिन वैसे पढ़ानी चाहिए। जो सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक उसकी लैब होती है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब होती है। दोनों में क्या होता है कि जो आपने थ्योरेटिकली चीज़ें क्लास में पढ़ी हैं, अब उसे आप प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोज अगर आपको और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो ये सिलेबस की वीडियो अगर आप काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं तो आई थिंक मैंने उसे अपलोड कर दिया होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे, तो आप एक बार एक जाके सभी को चेक कर सकते हो, और आपको परफेक्टली आइडिया लग जाएगा कि आप एयरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर ले रहे हो तो आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, या फिर अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोसीड किए जा रहे हो तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या उम्मीद कर सकते हो। तो ये सब कुछ था सेमेस्टर टू के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो जो है अब सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर, सेमेस्टर फाइव, सेमेस्टर सिक्स, सेमेस्टर सेवन, सेमेस्टर एट। मैं अभी सेमेस्टर सेवन में हूँ और सेमेस्टर एट बस मेरा अभी हो जाने वाला हूँ, मतलब अब इसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होगी, अभी तो ऑनलाइन ही चल रही है, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो सेमेस्टर एट मेरा यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो सेमेस्टर सेवन तक तो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, उसी के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। मैं चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँगा तो मैं तो पढ़ रखा हूँ, मैं समझ जाऊँगा, और आप नहीं पढ़ रखे हो अगर आपको उतना आइडिया नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी भी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी और कोई वीडियोस चाहिए, अब सिलेबस तो मैं बता ही रहा हूँ, अगर आपको और भी कोई ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं हर एक वीक में ट्राई करूँगा कि एक वीडियो जो है वो एरोस्पेस के रिलेटेड निकालूँ, और एक वीडियो जो है वो डिफेंस के रिलेटेड निकालूँ। और अगर मेरे को टाइम बचता है, मतलब मेरे को भी पढ़ना होता है, तो अगर मेरे को टाइम बचता है और मैं वीडियो अगर बना पाता हूँ तो एक वीडियो जो है वो साइंस फिक्शन के बारे में या फिर स्पेस डिस्कवरीज उसके बारे में जो है, जो स्पेस के रिलेटेड या एरोस्पेस के रिलेटेड जो भी कुछ है उसके लिए ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो 2 से 3 वीडियो की प्लानिंग कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि इसका सेमेस्टर 3 होने वाला है सिलेबस का। तो फिर जय हिंद। And I wonder all day, who are you when you are not the one in your way?